सब्सक्राइब करें नेटी पहाड़ी चैनल को और लाइक एंड शेयर करें वीडियो को। नमस्कार फ्रेंड्स, नेटी पहाड़ी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपके लेकर आए हैं हुंडई वेन्यू का मोस्ट सेलिंग वेरिएंट, जो सबसे ज्यादा बिकने वाला वेरिएंट है। मैं बात कर रहा हूँ एस वेरिएंट की। जो बेस वेरिएंट आता है ई, ये उससे एक ऊपर वाला वेरिएंट है, सबसे ज्यादा बिकता है और हमेशा से ही सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेलिंग है। देखिए, 1.2 लीटर का कापा सीरीज का पेट्रोल इंजन इसमें मिलता है, 4 सिलेंडर, जो मैक्सिमम पावर जनरेट करता है 83 पीएस की और मैक्सिमम टॉर्क 113 न्यूटन मीटर्स का। एट द एंड इसकी प्राइस भी आपके पास शेयर कर दूंगा। तो ये कुछ इस तरह का रिमोट आपको देखने को मिलेगा, लॉक अनलॉक बूट खोलने का ऑप्शन और फ्लिप की इसमें दी जा रही है। फ्रंट प्रोफाइल आपको चेकआउट कराते हैं दोस्तों। इससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो नेटी पहाड़ी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेडलाइट यूनिट पे अगर आप ध्यान दें तो देखिए, प्लेन हैलोजन हेडलैम्प्स यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। ऊपर हमें टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं। इसमें कोई भी DRLs आपको देखने को नहीं मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं ग्रिल की तरफ। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो डार्क क्रोम ग्रिल हमें दी गई है। क्रोम का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। हुंडई का लोगो देखने को मिल जाता है बीच में। अब दोस्तों, इसमें हमें कोई भी फॉग लैम्प्स नहीं देखने को मिलते हैं। उसकी हाउसिंग मिल जाती है जिसे आप डीलरशिप से एड ऑन करवा सकते हैं। स्किड प्लेट की तरफ अगर आप ध्यान दें तो सिल्वर में ये आपको मिलने वाली है। तो एक बार फिर से अगर हम ओवरऑल प्रोफाइल देखेंगे वेन्यू की, तो काफ़ी खूबसूरत ये फ्रंट से देखने में लगती है। वेन्यू की साइड प्रोफाइल आपको चेकआउट कराते हैं। डायमेंशंस आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। अब देखिए, इसमें हमें स्पोर्टी रूफ रेल देखने को मिल जाती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा वेन्यू की साइड प्रोफाइल आपको कैसी लगती है। बी पिलर यहाँ पर ब्लैकआउट टेप दिया जा रहा है। सी पिलर में एक छोटा सा ग्लास सेक्शन आप देख सकते हैं। देखिए, काफ़ी खुला खुला कैबिन वेन्यू का रहता है जब आप अंदर बैठते हैं। क्लॉस्ट्रोफोबिया आपको नहीं लगने वाला। डोर जो हैंडल्स हैं, इसकी बात करें तो देखिए, बॉडी कलर ही सारे ही आपको डोर हैंडल्स मिलने वाले हैं। ORVM भी आपको बॉडी कलर ही मिलने वाला है। तो जैसे मैंने आपको बताया, देखिए ORVM बॉडी कलर, लेकिन फेंडर के ऊपर आपको ये टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिल जाता है। अब इसमें जो व्हील आर क्लैडिंग है, साइड डोर क्लैडिंग है, ये आपको देखने को मिल जाती है। 190mm की ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाती है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक्स, रियर में ड्रम ब्रेक्स देखने को मिल जाते हैं। टायर सेक्शन की बात करें, 195/65R15 15 इंच के टायर इसमें देखने को मिल जाते हैं। नॉर्मल आपको रूफ एंटीना देखने को मिल जाता है। हाई माउंट स्टॉप लैम्प की पोजिशनिंग कुछ इस तरह से रहने वाली है। डिफॉगर इसमें मिल जाता है, लेकिन कोई भी वाइपर या वॉशर इस वेरिएंट में आपको नहीं मिलेगा। हुंडई का लोगो आप देख सकते हैं। वेन्यू की बैजिंग मिल जाती है। टेल लैम्प्स की तरफ अगर आप ध्यान दें तो सिंपल एंड सोफिस्टिकेटेड टेल लैम्प्स इसमें दिए गए हैं। हालांकि कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको वेन्यू के जो करंट टेल लैम्प्स हैं वो कैसे लगते हैं। काफ़ी डिफरेंट ओपिनियन है लोगों का इसमें। चलिए बात करते हैं रिफ्लेक्टर की। तो दो रिफ्लेक्टर्स में मिल जाते हैं, दो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स में मिल जाते हैं फॉर योर सेफ्टी। कोई भी रिवर्स पार्किंग कैमरास में नहीं मिलेगा। स्किड प्लेट यहाँ पर सिल्वर में दी गई है। तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि वेन्यू की जो रियर प्रोफाइल है आपको कैसी लगती है। बूट आपको चेकआउट कराते हैं तो देखिए, 350 लीटर का एक अच्छा बूट स्पेस हमें इसमें देखने को मिल जाता है। पार्सल ट्रे अच्छे साइज की मिल जाती है। साथ ही साथ अगर आप ध्यान दें तो उसमें बूट लैम्प भी हमें दिया गया है, जो स्पेशली नाइट में सामान रखने या उतारने में आपको काफ़ी सहूलियत ये देने वाला है। वहीं स्पेयर टायर की बात करूं तो देखिए, 15 इंच का स्पेयर टायर इसमें मिलने वाला है, स्टील व्हील। रियर सीट आपको यहाँ पर हम चेकआउट कराते हैं तो देखिए, फैब्रिक सीट यहाँ पर ऑफर की जा रही है। फिक्स्ड हेडरेस्ट आपको मिलने वाले हैं, एडजस्टेबल नहीं मिलेंगे। और इस वेरिएंट में आपको कोई भी रियर पैसेंजर के लिए आर्म रेस्ट नहीं मिलेगा। कितने लोग इसमें बैठ सकते हैं तो देखिए, जो अगर आपकी हाइट 5'10" या उससे कम है तो 3 लोग आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। नहीं तो प्रॉपर अगर आपकी हाइट 6 फुट से ऊपर की है तो 2 एडल्ट और बीच में एक बच्चा एडजस्ट हो जाएगा। AC वेंट्स हमें इस वेरिएंट में देखने को मिल जाते हैं और 12 वोल्ट का सॉकेट भी इसमें दिया गया है। जो पैसेंजर साइड डोर है इसकी बात करें तो मेटल फिनिशिंग के साथ इनसाइड डोर हैंडल हमें यहाँ पर दिया गया है। पावर विंडो का हमें यहाँ पर कंट्रोल मिल जाता है, स्टोरेज मिल जाती है। नीचे के सेक्शन में अगर हम बढ़ें तो यहाँ पर हमें 1 लीटर वाटर होल्डर की जगह मिल जाती है और स्पीकर की पोजिशनिंग कुछ इस तरह से रहने वाली है। डैशबोर्ड में ऑल ब्लैक थीम हमें दी गई है। पैसेंजर जो को ड्राइवर सीट एंड ड्राइवर सीट दोनों ही एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ यहाँ पर दी गई है। फैब्रिक सीट्स हैं ये और इसका कंफर्ट काफ़ी अच्छा है। कोई भी हाइट एडजस्टेबल लीवर ड्राइवर सीट पे नहीं दिया गया है।
डोर की तरफ अगर आप ध्यान दें तो मेटल फिनिशिंग में इनसाइड डोर हैंडल मिल जाता है। ट्विटर की पोजिशनिंग कुछ इस तरह से रहने वाली है। देखिए ORVM को मैनेज करने के कंट्रोल, चारों ही पावर विंडो के कंट्रोल, ड्राइवर साइड सिर्फ ऑटो अप एंड डाउन मिलने वाला है। 1 लीटर वाटर होल्डर की जगह मिल जाती है। मैप पॉकेट हमें देखने को मिल जाता है। वहीं स्पीकर की पोजिशनिंग कुछ इस तरह से रहने वाली है। वहीं स्टीयरिंग व्हील में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ टिल्ट ऑप्शन मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलेगा। हेडलाइट लेवलिंग का स्विच हमें देखने को मिल जाता है स्टीयरिंग व्हील के बगल में। AC वेंट का डिजाइन कुछ इस तरह से रहने वाला है। MID स्क्रीन की तरफ बढ़ेंगे, देखिए 3 डायल्स और आप कह सकते हैं 3 सेक्शन में इसको डिवाइड किया गया है। लेफ्ट हैंड साइड में आपका RPM मीटर, बीच में आपका स्पीडोमीटर देखने को मिल जाता है और राइट हैंड साइड में छोटी सी स्क्रीन जिसमें आपका आउटसाइड टेम्परेचर डिस्प्ले, करंट टाइम, मल्टी ट्रिप मीटर जैसे फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं, तो काफ़ी क्लासिक ये लगता है। स्टीयरिंग व्हील आपको काफ़ी स्लीक सा यहाँ पर देखने को मिल जाता है। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए ऑडियो के माउंटेड कंट्रोल मिल जाते हैं, कॉलिंग के माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इसमें सपोर्ट की जा रही है। हुंडई का लोगो बीच में देखने को मिल जाता है। और फीचर्स की हम बात करते हैं तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपको जो फ्रंट वाइपर्स हैं उसके कंट्रोल हमें देखने को मिल जाते हैं और राइट हैंड साइड में हमें हेडलाइट यूनिट के कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं। तो एक बार फिर आप स्टीयरिंग व्हील और इंस्ट्रूमेंटल पैनल को देखें तो काफ़ी सुंदर ये लगते हैं। बेसिक इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको मिलता है इसमें, FM रेडियो, USB कनेक्टिविटी के साथ, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इसमें मिल रही है, टोटल 4 स्पीकर और 2 ट्विटर्स में मिल रहे हैं। मैनुअल AC इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है, 12 वोल्ट का सॉकेट, USB चार्जिंग का स्लॉट मिल रहा है, स्टोरेज मिल जाता है, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर लीवर आप देख सकते हैं, 2 कप होल्डर की जगह मिल जाती है, हैंड ब्रेक की पोजीशन कुछ इस तरह से रहने वाली है और फिक्स्ड आर्मरेस्ट मिल रहा है जिसमें स्टोरेज डिसेंट सी मिल जाती है। ग्लव बॉक्स की बात करें तो देखिए डिसेंट स्टोरेज इसमें हमें देखने को मिल जाता है, कूलिंग फीचर के साथ ही आपको नहीं मिलेगा, थोड़ा स्टोरेज यहाँ भी मिल जाता है। ऑल ब्लैक थीम डैशबोर्ड को दी गई है। पैसेंजर साइड जो सनवाइजर है इसमें वैनिटी मिरर दिया गया है। IRVM आपको नॉर्मली मिलेगा, मैनुअली ही आपको सेट करना पड़ेगा। अब जो ड्राइवर साइड सनवाइजर है यहाँ पर आपको टिकट होल्डर का ऑप्शन दिया गया है। सेफ्टी फीचर्स की अगर हम बात करें तो देखिए डुअल एयरबैग्स ड्राइवर एंड पैसेंजर साइड आपको मिल जाते हैं, ABS विद EBD आपको मिल जाता है, पार्किंग सेंसर आपको मिल जाते हैं, इसके साथ साथ सेंटर लॉकिंग भी इसमें आपको दी जा रही है। वहीं देखिए इसकी ऑन रोड प्राइस की बात करूं तो देहरादून में इसकी ऑन रोड प्राइस रहेगी 9 लाख के करीब। सो फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, इन्फॉर्मेटिव रही होगी। सो थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे एहेड।